साइड से दिखाता हूँ, देखो बढ़िया इफेक्ट आ रहा है। अब कलर चेंज वाले हो गए, जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमारा कलर चेंज हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो ये गोगो जो है ना बड़ा हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो अब ये राउंड हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे गोगो देख, जैसे कि देख रहे हो आप। और प्लस इसकी जो रेंज की बात करो तो रेंज हमारी 1 किलोमीटर तक की रेंज रहने वाली है। तो चलो जा लेट नहीं करते, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जो प्रेस कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते जो फॉलो करना ताकि आपको डे से डे नया अपडेट मिलते रहे। तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं सबसे पहले। अनबॉक्सिंग देखा, अनबॉक्सिंग कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जैसे गाइस देख सकते हो हमारा जो मिनी शार्पी लाइट है वो अनबॉक्सिंग होकर यहाँ पे है, जैसे कि आप देख सकते हो। और गाइस आप हमारे बहुत से भाई ये कमेंट करोगे भैया इस मिनी शार्पी लाइट में क्या खास बात है, क्योंकि आपने तो बहुत सारे मिनी शार्पी लाइट दिखा दिया, लेकिन जो ये जो मिनी शार्पी लाइट रहने वाला है बहुत ज्यादा स्पेशल रहने वाला है। मतलब हमारी जो बड़ी शार्पी 7R, 5R, 10R जो रहती है उनको टक्कर देने वाली हमारी ये शार्पी लाइट, क्योंकि इस शार्पी लाइट में हमारा गोगो बीम भाई साहब इतने सारे फीचर्स इस पर रहने वाले हैं, आप इसको मतलब बड़े शार्पी के साथ टक्कर दे सकते हो। और इसकी रेंज की बात करें तो भाई 1 किलोमीटर तक की रेंज रहने वाली है। और मैं आप लोगों को बता दूं इसके साथ हमें क्या क्या मिल जाता है। इसके साथ हमें मिल जाता है टूल, जैसे कि आप इसको कहीं पे भी हैंगिंग कर सकते हो आसानी तरीके से, जैसे कि आपने गाड़ी में लगा दिया या अपने ट्रस बस में कहीं पे भी लगा के आप आसानी से इसको कैरी कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ हमें मिल जाता है दो हमारे वायर्स, जो हमारे 1 से 1.5 मीटर तक का वायर रहने वाला है, काफी बढ़िया क्वालिटी में रहने वाला है जैसे कि आप देख सकते हो। और गाइस मैं आप लोगों को ये भी बता दूं ये हमारी कौन सी कंपनी की मिनी शार्पी लाइट रहने वाली है। ये जो अगर कंपनी की बात करें हमारी कंपनी रहने वाली है हमारी SBL कंपनी की, हमारी शार्पी लाइट रहने वाली जिसके आप देख सकते हो। और गाइस आप लोगों को मैं टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा टेस्टिंग कैसे रहने वाली है। भाई टेस्टिंग में तो आप लोगों को मजा आ जाएगा, क्योंकि जब इसकी बीम देखोगे ना आप और इसकी भाई गोगो वगैरह देखोगे ना तो आप लोगों को और ज्यादा मजा आएगा। और इसमें ना गाइस मैं DMX में चला के दिखाने वाला हूं आप लोगों को। और मैं आप लोगों को और थोड़ा फीचर्स के बारे में बता दूं, इसका क्या क्या फीचर्स रहने वाला है मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले मैं डिस्प्ले में देख सकते हो, और गाइस डिस्प्ले के थ्रू आप इसको DMX मोड, ऑटो मोड, साउंड मोड में भी करके आप चला सकते हो। जैसे कि देख सकते हो हमारे जो बटन्स रहने वाले हैं काफी स्मूथ बटन्स रहने वाले हैं जैसे कि आप देख सकते हो। और गाइस मैं आप लोगों को यही बता दूं ये जो हमारा मिनी शार्पी लाइट रहने वाला है भाई काफी बढ़िया रहने वाला है, मतलब बड़े शार्पी को तो टक्कर देगी देगी। और प्लस भाई जब आप चलाओगे ना तो आप लोगों को लगेगा कि भाई हम छोटे शार्पी नहीं चला रहे, बड़े शार्पी चला रहे हम, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हो हमारे शार्पी लाइट की कुछ ऐसा लुक रहने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो। और भाई बड़े क्यूट क्यूट से लग रहा है हमारी ये दोनों शार्पी लाइट जैसे कि आप देख ही रहे हो। और जो जैसे कि हमारा जो ये लैंप रहने वाला है, लैंप हमारा बड़ी शार्पी की तरह लैंप रहने वाला है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो जब आप चलते हो देखो ना तो आप लोगों को और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा लेके चलता हूँ बैक साइड। जैसे गाइस हम आ चुके हैं बैक साइड, जैसे कि देख सकते हो हमारा बैक साइड का कुछ लुक ऐसा रहने वाला है। सबसे पहले हमें दिख जाता है दो कूलिंग फैन, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हमारा कूलिंग फैन रहने वाला है, यहाँ पे भी हमारा कूलिंग फैन रहने वाला है। जो हमारे यहाँ से जो हमारे इसके अंदर के जो सप्लाईज रहते हैं, जो हमारे लैंप रहता है वो लैंप हमारा ठंडा रहे, इसलिए हमारे यहाँ पे कूलिंग फैन दिया गया हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर हमारे बड़े शार्पियों में भी यहाँ पे हमारे कूलिंग फैन रहते हैं, किस लिए रहता है मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, जो हमारे लैंप रहते हैं इनके अंदर के वो लैंप एनी टाइम ठंडा रहे और आप इसको 24 घंटे यूज कर सको, इसलिए हमारे यहाँ पे कूलिंग फैन दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा कुछ नीचे का कुछ ऐसा रहने वाला है। और गाइस हमारे नीचे ना हमारे दो दो कूलिंग फैन दिया जाता है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे भी हमारा कूलिंग फैन रहने वाला है, हमारा यहाँ पे भी कूलिंग फैन रहने वाला है। और आप लोगों को पता होगा कि कूलिंग फैन यहाँ पे क्यों दिया जाता है, कूलिंग फैन इसलिए दिया जाता है कि जो हमारे अंदर की जो सप्लाई रहते हैं वो सप्लाई हमारे एनी टाइम ठंडा रहे और गाइस अच्छे से वर्किंग करे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा पावर केबल का ऑप्शन दिख जाता है, जैसे कि देख सकते हो आपका जो पावर केबल रहने वाला है हमारा पावर केबल यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और हमारे ये बोर्ड में लग जाएगा और हमारे शार्पी में आ जाएगा लाइट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा DMX का ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारे XLR वायर्स लगेंगे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे XLR वायर लगेंगे और आप DMX में भी आप चला सकते हो इस शार्पी लाइट को। मैं आप लोगों को जो चला के दिखाऊंगा ना मैं DMX में ही चला के दिखाऊंगा, ठीक है। और हमारे भी सेम कुछ ऐसा फीचर्स रहने वाला है। और मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ थोड़ा टेस्टिंग की तरफ ताकि आप लोगों को और ज्यादा मजा आए, तो चलो टेस्टिंग की तरफ चलते हैं। तो जैसे गाइस मैं आप लोगों को जो टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ टेस्टिंग में आप लोगों को DMX में करके दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे DMX रहने वाला है,
जो हमारा वर्जन 2 DMX रहने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो काफी बढ़िया क्वालिटी में हमारा ये DMX रहने वाला है। हमारा 512 जो DMX है तो उससे काफी हैवी रहने वाला है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जैसे कि देख सकते हो मैंने 2 XLR वायर निकाल लिए हैं जो मैं आप लोगों को आउटपुट इनपुट करके दिखाने वाला हूं, जो मतलब इनको कनेक्शन करने वाला हूं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को कनेक्शन करके दिखाता हूं और मैं फिर उसके बाद टेस्टिंग करता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो मैं शार्पी लाइट को बैक साइड कर लेता हूं, मेल वाला लगा दिया, अब फीमेल लगाता हूं। फीमेल लगा दिया, अब फिर हम अब क्या करेंगे वाला XLR वायर को अब हम लेके आएंगे अपना ये DMX में, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे कुछ कनेक्शन ऐसा हो गया है और मैं ये DMX में लगा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये लगा दिया DMX में, ये हमारे DMX में कनेक्शन हो गया। अब मैं इस पे लगाता हूं पावर केबल, जो हमारे पावर केबल रहने वाले हैं। पावर केबल रहने वाले, हमें अपना पावर केबल हमें बोर्ड में लगाना है। उस मिनी शार्पी लाइट है उनमें पावर आ चुका है और हमारे DMX में भी पावर आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब मैं आप लोगों को थोड़ा कंट्रोल करके दिखा देता हूं। जैसे कि हमारा पहला बटन है, काफी इजी रहने वाला, हमारा जो DMX यूज करेंगे ना काफी इजी रहने वाला है। पहला वाला हमें बटन ऑन करना है, देख सकते हो हमारा लाइट जो है मूव करने लग गया, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर इस हमारे 500 वाला DMX में क्या होता है कि हमें ना काफी ज्यादा मतलब समझ में भी नहीं आता है और हम यूज भी नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो, और हम लोग सेकंड वाला जैसे बटन दबाएंगे तो हमारा ऊपर, जैसे कि हमारा ना जो हमारे बीम चेंज करने का होता है, और हमारे जो थर्ड वाला जो रहने वाला, थर्ड वाला ऑन करेंगे तो हमारा ये ऊपर नीचे होगा, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, ऊपर नीचे। और इधर से आप चाहो तो ये लेफ्ट राइट है हमारा, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना लैंप को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देख सकते हो ये हमने कर दिया, ये देखो हमारा लैंप स्टार्ट हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा अभी व्हाइट कलर का चल रहा है। मैं पूरा अपना स्टूडियो का लाइट को पूरा बंद कर लेता हूं। पहले बीम हमारा निकल रहा है, जैसे कि देख सकते हो काफी मोटा बीम रहने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो हमारा। मैं थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो साइड से दिखाता हूँ, देखो बढ़िया इफेक्ट आ रहा है। अब जैसे कि ये हमारा फ्लैशर हो गया, जैसे कि आप चाहो तो फ्लैशर भी यूज कर सकते हो। और अरे हमारा कलर चेंज वाले हो गए, जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमारा कलर चेंज हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो ये देखो गोगो आप चेंज कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा ना गोगो ना जूम करके दिखाता हूं, ये देखो ये जैसे कि देख सकते हो हमारे ये गोगो जो है ना बड़ा हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो अब ये राउंड हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे गोगो देख, जैसे कि देख रहे हो आप, ठीक है, अभी हमारा राउंड हो रहा है। अब देख रहे हो गोगो हमारे जो है इस पे हमारे 7 कलर्स रहने वाले हैं, और 7 कलर्स के साथ साथ हमारे 7 गोगोस भी रहने वाले, जैसे कि आप देख सकते हो एक से एक हमारे गोगोस आ गए, जैसे कि आप देख सकते हो। अब आप सोच सकते हो कि बड़े शार्पी को टक्कर दे सकती है नहीं दे सकती है, आप ये प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना आप लोग। कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जैसे गाइस मुझे जहां तक पता है ना आप लोगों को टेस्टिंग में मजा आ गया होगा, और हमारे बहुत से भाई देखते साथ यही बोल रहे होंगे कि भाई हाँ बड़े शार्पी को टक्कर देने वाली चीज है ये भाई। हाँ बेशक मतलब रेंज के मामले में नहीं टक्कर दे सकता, लेकिन भाई टक्कर मतलब इन चीजों की जो इनकी फीचर्स है ना उन सब में टक्कर दे देगी ये, मेरे को जहां तक पता है, क्योंकि इस पे हमारा बीम भी है और प्लस हमारा इस पे गोगो वगैरह सब है, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया। और प्लस मैंने आप लोगों को जो टेस्टिंग करके दिखाया ना DMX में टेस्टिंग करके दिखाया था मैंने आप लोगों को, ताकि आप लोगों को DMX में भी समझ आ जाए कि DMX में कैसे हम चला सकते हैं, ठीक है। और गाइस जो आप लोगों को DMX के साथ जो मिलने वाला ना, ये वाला DMX मिलने वाला है, अगर आप चाहो तो 512 DMX भी ले सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे पास जो DMX रहता है ये हमारा अच्छी क्वालिटी में रहता है। और ये वर्जन 2 में हमारे DMX रहने वाला बहुत बढ़िया क्वालिटी में, जब आप लोग इस DMX को जब आप चलाओगे ना तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो हमारा DMX कुछ ऐसा रहने वाला हमारा, ठीक है। और ये हमारा जैसे कि DMX भी काफी बढ़िया है, और हमारा मिनी शार्पी लाइट भी धमाकेदार है भाई साहब, काफी बढ़िया है DMX।
और डीएमएक्स के साथ साथ हमारे शार्वी भी काफी लाजवाब है। अब हमारे बहुत से भाई ये बोल रहे होंगे भैया इनकी क्या प्राइस रहने वाली है। प्राइस मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप एक मिनी शार्पी लाइट लेते हो तो आपको सिर्फ पड़ेगा 13,000 रुपए का। अगर आप इसको पूरा कंप्लीट सेट लेते हो, जैसे कि आपका ये शार्पी, एक शार्पी, दो शार्पी, एक डीएमएक्स लेते हो, तो आप लोगों को पूरा पड़ेगा 28,200 रुपए का। ये पूरा सेटअप पड़ेगा आपको 28,200 रुपए का, मतलब आप लोगों का एक कंप्लीट सेटअप हो जाएगा मिनी शार्पी लाइट में। जो हमारे बहुत से भाई ना 40-50,000 रुपए का जो 7R 5R 10R जो नहीं ले पाते ना, उनके लिए बढ़िया बजट में आप इनको लेके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, जहां तक पता है आज की वीडियो में आप लोगों को मजा आ गया। अगर मजा आ गया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जो प्रेस कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कर लेना, ताकि आपको डीएसएल टीम नए अपडेट मिलते रहे। और गाइस कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी कॉल करिए और आपका सुखराज भाई भेजेगा आप लोगों को ये शार्पी लाइट। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।